भाई राउंड अप में वैसे ओरिजिनल टाइप इनको पूरा बनाया गया है। ये देखने को मिल रहा है। जय सिया राम। हाय गाइस, एक नए ब्लॉग में आप सभी को स्वागत है। मेरे चैनल प्लीज यूज हेलमेट में मैं भी जगमादी आप सभी को स्वागत करता हूँ। मैं आज आपको घुमाने वाला भोपाल का वन विहार राष्ट्रीय उद्यान जू, जो कि भोपाल में है और जस्ट भोपाल लेक के बगल में है। तो चलिए आज आपको लेके चलते हैं, यहाँ का जू घुमाते हैं। और यहाँ पे जो प्राइस है बाइक का 2% का 60 रुपये है। और यहाँ पे अपन बाइक के माध्यम से पूरा घूम सकते हैं जू को। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। हमारे ब्लॉग में आप कंटिन्यू बने रहिएगा, आपको पूरा जू घुमाते हैं यहाँ का। ये वन विहार राष्ट्रीय उद्यान है, देखने को मिलता है भोपाल का। तो आज हम जाने वाले हैं और यहाँ पे वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में बाइक से घूम सकते हैं। तो चलिए आपको घुमाने ले चलते हैं। पूरी रेट लिस्ट क्या क्या प्राइस है आप वीडियो को पोस्ट करके दे सकते हैं। तो ये प्राइस है इसके, यहाँ पे सब दे सकते हैं। तो गाइस आप दे सकते हैं, ये हमारा टिकट है, फ्रंट गेट है और यहाँ पे लिखा हुआ है रामू द्वार टिकट घर गेट नंबर 1। चेकिंग कर रहे हैं, ठीक है। जय सिया राम। प्लास्टिक की बोतल तो नहीं? नहीं, अंदर देखने को मिल रहा है। लोकेशन है पूरा जू का। और यहाँ पे घूमने के लिए आपको गाड़ियाँ भी मिल जाएगी, बाइक भी मिल जाएगा, साइकिल भी मिल जाएगी, ये देख सकते हैं। और वो भाई क्या बात है, क्या खूबसूरत सी ट्रेन बनाई गई है। जस्ट हम लोग लेक के बगल से जा रहे हैं, ये देख सकते हैं। और रोड भी बहुत अच्छी, यहाँ की रोड है गौर। तो चलिए आपको दिखाते हैं गौर। तो गाइस हमने अपनी बाइक खड़ी कर दी है और बाइक से पूरा यहाँ का वन विभाग जू घूमेंगे। और हमको आगे दिख रहा है गौर, तो चलिए आपको दिखाते हैं गौर। बड़ा सा है और खूब मोटा सा चारा रखा है, कितना बड़ा गौर है ये भाई। गाइस हमने आपको गौर दिखा दिया है, अब आगे चलते हैं। प्रतिबंधित क्षेत्र लिखा हुआ है यहाँ पे। और ये 2 हिरण है जो कि बाहर घूम रहे हैं, हम लोग को देख रहे हैं। और आपको पूरा हम घुमाते हुए चल रहे हैं। पूरा इसको जंगल टाइप जैसे सजोया जाता है, बनाया जाता है, वैसे पूरे इसको बनाया गया है इस पार्क को। और बहुत अच्छा लग रहा है पर ये पार्क। कुछ कुछ जीव जंतु देखने को मिल रहे हैं। और अभी तो फिलहाल हमको सेकंड जीव जंतु मिल गया, पहले गौर दिखा उसके बाद हिरण दिखा। और कौन कौन से यहाँ पे जीव जंतु देखने को मिलता है आपको दिखाते रहते हैं अपने ब्लॉग के माध्यम से। और ये भालू सेक्शन, तो यहाँ पे भालू दिखता है कि नहीं दिखता देखते हैं। देख लीजिए भालू दिख रहे हैं यहाँ से, वो देखिए घूमता हुआ दिख रहा है भालू। किस वजह से झूल रहा है भैया लोग के साथ चल रहा है उधर, देखिए देख सकते हैं आप। ये आते जा रहा धीरे धीरे सामने की ओर, ये देख सकते हैं जस्ट सामने आ गया भाई। मैं फर्स्ट टाइम भाई ऐसा बाइक में घूम बैठ के घूम रहा हूँ, पूरा एंजॉय कर रहा हूँ जू का। ऐसे पहली बार भाई हमारे छत्तीसगढ़ में तो ऐसा कोई साधन नहीं है, या बस में घूमो या पैदल घूमो, पर यहाँ पे भोपाल में हमको फर्स्ट टाइम बाइक में अपने खुद के गाड़ी के माध्यम से हम लोग घूम रहे हैं। तो ये पूरा सेक्शन जो है मोर का है, इसमें बहुत सारे हमको मोर देखने को मिल रहे हैं इस सेक्शन में। वो देखिए अंदर साइड में 2 इधर है, 3 इधर है, 1 उधर है, मतलब टोटल यहाँ पे 6-7 मोर मेरे को देखने को मिल रहे हैं। और बाघ का सेक्शन, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे बाघ देखने को मिलता कि नहीं मिलता। ये बाघ वाले सेक्शन में हम आ गए हैं। वो बाघ एक पूँछ उछ हिलाता हुआ, हाथ उत हिलाता हुआ है भाई, ये देख सकते हैं वहाँ पे है लेटा हुआ सोया हुआ भी फिलहाल। वो देखो उठा, बहुत सारी क्राउड आई हुई है घूमने के लिए। सब देख सकते हैं वो वहाँ पे सोया हुआ है, वाइट टाइगर आराम कर रहा है अभी। उन लोगों को पूरा आराम करने का टाइम है। कितने सारे यहाँ पे चील है ये देखिए। किस ऐसे यहाँ पे है सर्प उद्यान, तो चलिए आपको सर्प दिखाते हैं और अंदर चल के देखते हैं स्नैक पार्क। तो यहाँ पे देखते हैं स्नैक कौन कौन से देखने को मिलते हैं हम लोग को। सुंदर से दिख रहे हैं आप ये देख सकते हैं, बांसों से पूरा बनाया गया। और इधर देखिए छोटे पतले वाले बांस है पूरे, बहुत सुंदर लग रहा है। और यहाँ पे बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है और अच्छा लग रहा है भाई। भाई साहब देख सकते हैं कितने सारे यहाँ पे सर्फ है, ये देख सकते हैं।
बेचारा कितने सिंगल ही। भाई साहब देख सकते हैं ये पास में है, ये देख सकते हैं, और इस साइड भी आप देख सकते हैं बैठा हुआ है। तो भाई यहाँ पे देख सकते हैं कितने सारे सर्प, ये देख सकते हैं कितने सारे सर्प हैं यहाँ पे, उधर देखो सो रहे हैं आराम कर रहे हैं लोग, कितने सारे सर्प हैं वहाँ पे लिखा हुआ है सर्प का नाम दामन, ये देख सकते हैं भाई। और कुछ इस प्रकार से ये देखें पास में पूरे देखने को मिल रहा है, ये चीज़ अच्छा है हुआ है वो भाई वो आता हुआ। और यहाँ पे इसकी विशेष हो चुकी है कि क्या है इसकी डिटेलिंग यहाँ पे लिखी है, ये देख सकते हैं आप। ये है शैली अजगर के बारे में पूरा डिटेल दिया हुआ है यहाँ पे, सब चीज़ें जो आप विषय में वीडियो को पॉज करके दे सकते हैं, पूरा यहाँ पे डिटेलिंग दी हुई, यहाँ पे ये दे सकते हैं ये लेटा हुआ है, ये दे सकते हैं आप। गाइस आपको ये वाला सेक्शन दिखा दिया है, अब ये वाले सेक्शन में चलते हैं, इधर क्या देखने को मिलता है अपने को। इस साइड भी बहुत सारे शायद सांप ओप हैं कि नहीं है देखते हैं। चलिए दो मुंह वाला है यहाँ पे, पूरा उसका डिटेलिंग दिया गया हुआ है, 6 से 63 दिन जीता है और 22 से 75 एक मीटर की लंबाई है इसकी, ये देख सकते हैं यहाँ पे बहुत कम देखने को मिलता है, ये यहाँ पे अंदर है पूरा। आराम कर रहा सोया हुआ है वो देख सकते हैं, एक ही दिख रहा है मात्र, और एक ये पेड़ में है ये देख सकते हैं, एक ही पेड़ में है वो देख सकते हैं आराम कर रहा है, और एक ही यहाँ पे है, यहाँ तो बहुत सारे हैं, 1 2 ये देखिए 3, ये इस प्रकार से भाई चल रहा है दे सकते हैं। और ये है सांप है पनियाल डोंडिया सांप है, उसकी डिटेलिंग यहाँ पे लिखी हुई है, ये पनियाल डोंडिया सांप है जो आपको मैं दिखा रहा हूँ इतना बड़ा सा। गाइस आपको मैंने सांप वाला सेक्शन से घुमा दिया है, और चलिए आगे चलते हैं आगे क्या हमको देखने को मिलता है फिलहाल। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारी पब्लिक आ रही घूमने के लिए इस पार्क में, जूह में, और आप भी देख सकते हैं जूह के लिए अलग से स्पेशल गाड़ी भी है, और ख़ुद की गाड़ी से भी आ सकते हैं। आगे चल के देखते हैं आगे क्या हमको देखने को मिलता है। फिलहाल मैंने आपको सांप दिखा दिया, अब हम लोग जा रहे हैं घड़ियाल देखने और मगर देखने, तो चलिए चलते हैं। बाइक में घूम रहे हैं यहाँ पे, फुल इन्जॉय कर रहे हैं, और इस साइड हमको दिखता है शायद नील गाय, नील गाय है या क्या भाई। गाइस देख सकते हैं कितना बड़ा सा मगरमच्छ है, और फुल आराम से सो रहा है धूप में, ये देख सकते हैं आपको दिख रहा होगा शायद। वो देखिए कोने में लेटा हुआ पेड़ के नीचे सो रहा है, घड़ियाल है शायद वो भी, ये देख सकते घड़ियाल सोया हुआ आराम कर रहा है। यहाँ पे चलता हुआ पानी में जा रहा है, घड़ियाल है क्या है पता नहीं, देख सकते हैं बड़ा सा मगरमच्छ ये देखिए जाता हुआ, आपको शायद दिख रहा होगा पानी में तैरता हुआ, वो देख सकते हैं आप भाई सूंड़ी से जा रहा है।
यहाँ पे बारह सिंघा, दो छोटे से एक बड़ा था, वो देख सकते हैं वहाँ पे बैठा खड़े हैं वो लोग कुछ इस पर, और वहाँ पे बैठे भी हैं बहुत सारे। इस साइड बहुत सारे बारह सिंघा हैं। देख सकते हैं बहुत सारे आपको देखने को मिल जाएंगे, लाइन से पूरे हैं। बारह सिंघा है, हिरन है क्या है पता नहीं, वो बहुत सारे अपने को देखने को, बहुत मस्त सीन है ये देख सकते हैं। कोई भी शोर होता है लोग तुरंत चौकन्ना हो जाते हैं एकदम से। देख सकते हैं भाई, देख रहे किस तरह। अभी हम आ चुके हैं विहार वीथिका में, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे हमको क्या देखने को मिलता है। और यहाँ पे बहुत सारे लोग घूम रहे हैं, तो ये देख सकते पूरे कंगाल हैं। पूर्ण विकसित नर बाप का कंकाल तन है वो भाई, पूरा दिखाया गया यहाँ पे, ये देख सकते हैं आप। देख सकते हैं स्टैचू टाइप के पूरे से खड़े किए गए हैं भी, आप देख सकते हैं मगर होगा पूरे, मतलब जो यहाँ पे जंगलों में जू में था वो पूरा यहाँ पे दर्शाया गया है। यह भी देख सकते हैं आप, ये पूरा यहाँ पे और ये उसकी खाल है यहाँ पे। ओरिजिनल खाल है ये पूरा, इस प्रकार से पूरा इसको बनाया गया मम्मी, इसको सेम टू सेम कॉपी। ये देख सकते हैं भाई साहब मेरे बैठा हुआ दिख रहा है। यहाँ पे पूरी विषय सूची दी गई है, और ये देख सकते हैं पूरी इसकी ओरिजिनल खाल है, हूबहू वैसे ओरिजिनल टाइप इनको पूरा बनाया गया है। ये देख सकते हैं जैसे दिखते हैं वाइट टाइगर भाई, ऊपर से आपको दिखाता हूँ। ये पूरे ओरिजिनल खाल को ऐसे हूबहू पहना के पूरा बनाया गया है, मम्मी से को बनाया गया बोलते हैं। वाइल्ड कैफे आपको दिखा दें, और ऐसा कुछ देखने को हम मिला है प्यारा सा नज़ारा। ये देख सकते हैं भाई साहब क्या खूबसूरत सा कैफे बनाया गया है यहाँ पे, कुछ खाने पीने के लिए, बैठने के लिए, और यहाँ पे भाई लोग सब बैठे हुए आराम कर रहे हैं, चिल कर रहे हैं। तो ये कैफे है, यहाँ पे कुछ खाने पीने की सामग्री आप खाना चाहते तो खा सकते हैं, ये देख सकते हैं। तो ये कैफे यहाँ पे बनाया गया है, पूरे यहाँ पे गिलास की सामग्री यूज होती है, पूरे यहाँ पे गिलास की सामग्री यूज होती है, कोई भी पन्नी उन्नी कुछ नहीं यूज होता। देख सकते हैं वाइट टाइगर घूम रहा है, आपको दिख रहा होगा, ये देख सकते हैं वाइट टाइगर भाई खड़ा है यहाँ पे कुछ। तो गाइस ये देख सकते हैं कितना बड़ा सा सामने वाइट टाइगर घूमता हुआ। छोटा सा बच्चा नहीं पड़ा है, घूम गया उसके मम्मी के पास, मम्मी के पास जाना है, वो देख रहे हैं क्या देख ला देखिए पास में आ चुका है भाई, ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं भाई पास में आ चुका है। क्या परी? ओ। फिर चला ये फिर चला गया। क्या परी?
ये देख रहे फिर से आ रहा है दोबारा, ये देख सकते हैं भाई राउंड अप में। ओके फिर चला, पर खाना उन्होंने नहीं खिलाते लग रहे हैं यहाँ के भोपाल पे, देख सकते हैं ये देखिए दौड़ता हुआ, बहुत फुर्तीला है भाई, बहुत फुर्तीला है, राहुल की तरह ही फुर्तीला है, ये देख सकते हो, ये देखो भाई तीन पैसे दौड़ रहा है भाई, एक पैर में उसके लग गया कुछ, वो देख सकते एक पैर उठाया हुआ है वो, ये तो मेरा दोस्त भाग रहा है। वो आया फिर से आया, ये देख सकते हैं ये देख सकते हैं आप।